हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सिंगल कस्टमर को एक चिप्स का पैकेट बेचना और एक बहुत बड़े होलसेलर या बहुत बड़े रिटेलर को बड़े बड़े लॉट्स में अपना पैकेट बेचने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो हमारी फर्स्ट काइंड की परचेज है वो एक इमोशनल परचेज है। जैसे कोई कंज्यूमर जा रहा है रोड में, वो कह रहा है यार चलो एक नया चिप्स का पैकेट आया, ट्राई करके देखते हैं क्या है ये। वहीं उसके दूसरी तरफ जो हमारी परचेज है, जो एक होलसेलर कर रहा है या जो एक रिटेलर कर रहा है, वो कभी भी कोई इमोशनल परचेज नहीं होती कि जब नया प्रोडक्ट आया है बाबू जी कह रहे हैं खरीद लो तो हम खरीद लेते हैं। जो हमारी दूसरी परचेज है बहुत ज़्यादा सोच समझ के की जाती है कि ये वाला पैकेट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अच्छा है कि नहीं है, हमें सही प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि जो हमारी दूसरी परचेज है उसमें किसी होलसेलर का या किसी रिटेलर का बहुत ज़्यादा पैसा पहले ब्लॉक हो जाता है, या एक बहुत बड़े अमाउंट में उसे अपनी कैपिटल को ब्लॉक करना होता है और उसको ये देखना होता है कि मैं इसे प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, ये एक्चुअली प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। जो हमारी दूसरी काइंड की परचेज है, ये सारी परचेज जो कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर डायरेक्टली जाके एक होलसेलर को बेच रहा है। और जो हमारी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग होती है वो बेसिकली यही होती है, जिसमें एक मैन्युफैक्चर किसी होलसेलर को जाके सामान बेचेगा या एक मैन्युफैक्चर डायरेक्टली किसी कंज्यूमर को या किसी बंदे को जाके सामान बेच रहा है। अगर हम 5 to 10 ईयर्स पहले की बात करके चले तो जो हमारी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और जो हमारी B2B मार्केटिंग है, लोग इन दोनों वर्ड को साथ में यूज़ करते थे। लोग कहते थे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या है, जब एक मैन्युफैक्चरर सामान बेच रहा है, और B2B मार्केटिंग क्या है, जब दो बिजनेसेस के बीच में कोई डील हो रही है। तो लोग कहते थे कोई अगर मैन्युफैक्चरर है और डायरेक्टली जाकर होलसेलर को तो सामान बेचेगा। बट लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जो हमारी पूरी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब चेंज ये है कि मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को तो अपना सामान बेचते ही हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टली जाके अपने कंज्यूमर्स को माल बेचते हैं। जैसे अगर मैं शाओमी की बात लेके चलूँ, जब शाओमी इंडिया के अंदर आया या जब वन प्लस इंडिया के अंदर आया, तो उनका मेन मोटिव ये था कि हमें अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है। तो उन्होंने ये नहीं किया अलग अलग रिटेल स्टोर्स के पास जा रहे हैं कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्हें अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए जो भी रिटेलर्स की कमीशन थी वो सारी की सारी कमीशन कंज्यूमर्स को एज डिस्काउंट दे दी और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम से कम रखी और डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया ऑनलाइन मीडियम्स को यूज़ करके। जैसे कि मैं शाओमी की बात लेके चलूँ, तो शाओमी ने पहले फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करी और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली ई कॉमर्स स्टोर से ही सेल करेंगे, कोई भी रिटेलर को बीच में लेके नहीं आएंगे। क्योंकि अगर रिटेलर बीच में आएगा तो रिटेलर कहेगा भाई मेरे को भी कमीशन दो, या अगर उस रिटेलर को ढूंढने के लिए हम कोई होलसेलर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो होलसेलर भी कमीशन खाएगा। तो जो हमारी होलसेलर रिटेलर की कमीशन है, शाओमी ने कहा कि हम जितना भी हमारी कमीशन दे रहे हैं इसको एज कमीशन नहीं देंगे, बट डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को एज अ डिस्काउंट इसको दे देंगे, क्योंकि हमें तो उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए इधर से बेचे या उधर से बेचे। बट जो हमारी दूसरा टाइप है जिसमें हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान बेच रहे हैं, उसमें हमारा बेनिफिट ये होगा क्योंकि हमारी प्राइस कम है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो शाओमी ने जिस टाइप की मार्केटिंग का यूज़ किया वो भी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग ही है। क्योंकि शाओमी को अगर हम देखें तो वो अपने फोन्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एक मैन्युफैक्चरर है। अब उसको जितना भी अपना सामान बेचना है वो डायरेक्टली सामान एक मैन्युफैक्चरर ही तो बेच रहा है। ये बात अलग है कि वो एक होलसेलर को नहीं बेच रहा बट एक कंज्यूमर को बेच रहा है। यही हमारा डिफरेंस आया जो हमारी पहले मार्केटिंग होती थी और जो हमारी अब इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है। पहले इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सिर्फ B2B मार्केटिंग थी, बट अब हमारी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग B2B के साथ D2C मार्केटिंग भी हो गई है। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बट चलो हमने ये तो समझ लिया कि इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होती है, बट अब ये देखते हैं कि अगर आपको अपनी ब्रांड के लिए इंडस्ट्रियल मार्केटिंग करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग करने के लिए जो हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अपने कस्टमर के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना, और जो भी हमारे कस्टमर हमें फीडबैक दे रहे हैं उसको ध्यान से फीडबैक सुन के उसको अप्लाई करना। क्योंकि इस टाइप की मार्केटिंग में कोई भी मिडिलमैन नहीं आ रहा, कोई होलसेलर नहीं आ रहा, कोई रिटेलर नहीं आ रहा। या अगर हम सपोज किसी होलसेलर को माल बेचते हैं तो जो एक मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली होलसेलर के पास जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा कंज्यूमर है जिसको माल बेच रहे हैं वो या तो कोई होलसेलर हो सकता है या कोई डायरेक्ट कंज्यूमर हो सकता है। हमें ये देखना है कि एक्चुअली उनकी नीड्स क्या है। अगर हम सपोज होलसेलर को कोई सामान बेच रहे हैं तो हमें ये देखना है कि यार होलसेलर को सही प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए। जिस प्राइस पे हम होलसेलर को अपना सामान बेच रहे हैं, आगे वो होलसेलर किसी और को बेचेगा, तो उस होलसेलर को भी इस पूरी डील में एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि अगर होलसेलर को प्रॉफिट होगा तभी वो हमसे ज़्यादा सामान लेगा। या फिर अगर हम डायरेक्टली कंज्यूमर को कोई सामान बेच रहे हैं तो हमें ये देखना है कि यार जो हमारी 20 की कमीशन थी, जैसे हमने शाओमी के केस में देखा, तो हमें उस 20 की कमीशन को ऐड नहीं करना और डायरेक्टली जो भी कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है। और अगर कोई भी हम सामान अपने कंज्यूमर को बेच रहे हैं और कोई कंज्यूमर हमें कोई फीडबैक दे रहा है, वो कह रहा है नहीं यार आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छी नहीं है बट ये चीज़ अच्छी है, तो मैं उन सारे फीडबैक्स को ध्यान से सुनना है और अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेके आने। जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात लेके चलूँ,
तो वैसे तो कोई एप्पल अपनी गलती मानता नहीं, अगर वो कोई चीज़ गलत कर भी दे तब भी वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसका ये बेनिफिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम तो कह रहे हैं हमने सही चीज़ करी है। बट अगर हम एप्पल की स्पेसिफिक मैकबुक्स की बात करके चलें तो 2020 तक जो भी उनकी मैकबुक्स आई थी वो उसमें बटरफ्लाई कीबोर्ड का यूज़ कर रहे थे। बट एप्पल ने बाद में अपने कंज्यूमर्स की बात सुनी कि जो उनका बटरफ्लाई कीबोर्ड है वो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई चीज़ अटक जाती हैं, उनका की ट्रेवल अच्छा नहीं है, तो एप्पल ने अपना पूरा का पूरा कीबोर्ड चेंज कर दिया। एंड बाद में उनकी जितनी मैकबुक्स है उन्होंने उसमें मैजिक कीबोर्ड का यूज़ किया जो पहले वाले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था। इसमें एप्पल क्या कर रहा है, क्योंकि एप्पल डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स की बात सुन रहा है, वो देख रहा है यार अच्छा चलो कंज्यूमर्स को मेरे इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर देता हूँ या इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ। इसमें जो हमारा अगला स्टेप है वो ये देखना है, हमें एक्चुअल पाथवे डिसाइड करना है किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमें अपना सामान बेचना है। जैसे सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर हैं एंड आप कहते हैं कि भाई मैं तो D2C मॉडल पर जाना है, मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि कंज्यूमर मेरे से डायरेक्टली सामान ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो अपने ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, आप किसी करंट ई कॉमर्स स्टोर के साथ टाइप कर सकते हैं, या अपनी डायरेक्ट रिटेल चैनल शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एकदम पता चलेगा यार कंज्यूमर एक्चुअली प्रोडक्ट डिमांड क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर में फ़र्क देखें, मैन्युफैक्चरर का हमेशा फोकस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो ये फोकस करता है कि यार कम से कम मेरी कॉस्ट कैसे आ जाए, या जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी क्वालिटीज़ में अच्छे से अच्छी कैसे करूँ। बट जो एक रिटेलर है, क्योंकि हमेशा रिटेलर कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उसको हमेशा पता होता है कि प्रोडक्ट के अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप D2C में जाएंगे तो आप अपनी क्वालिटी भी बढ़िया मेंटेन कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो आपका फाइनल कंज्यूमर है उसको कैसे फीचर्स चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, और बेसिकली आप एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बाद में डेवलप कर लेंगे। जैसे अगर मैं फैशन ब्रांड्स की बात लेके चलूँ तो वो इस टाइप की मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो मेरा फाइनल कंज्यूमर है वो कैसे प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहा है, उसको किस स्टाइल के प्रोडक्ट्स चाहिए, और बाद में वो उसी स्टाइल के प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर मैं नाइकी की बात लेके चलूँ तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ऑनलाइन स्टोर पर भी सामान बेच रहा है, वो अपने ऑफिशियल जो उनकी रिटेल स्टोर्स है उस पर भी सामान बेच रहा है, और वो सामान को मैन्युफैक्चर भी खुद ही कर रहा है। तो मैन्युफैक्चर भी खुद ही करेगा और बाद में अपने कंज्यूमर को चॉइस दे देता है, या तो आप रिटेल स्टोर पर जाके पहले हमारा प्रोडक्ट देख लो, जैसे भी हम जो शूज़ बेच रहे हैं एकदम देख लो कि इस टाइप के शूज़ हैं, ट्राई करके देख लो, या जो भी आपको देखना है वो जाके देख सकते हो, या फिर आप हमारा ऑनलाइन स्टोर से सामान ले सकते हो, हम डायरेक्टली आपके घर पर डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर आगे जाके सामान बेच रहा है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।